गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेकंड लेसन द एड्रेस किया था। थर्ड लेसन हम एक बार स्किप कर रहे हैं, वो बाद में करवाएंगे आपको। तो फोर्थ लेसन करवाने जा रही हूँ मैं आपको, जिसका टाइटल है अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगले। अल्बर्ट आइंस्टाइन हु वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, he is known for his theory of relativity. He is generally regarded as the greatest physicist since Newton. तो जो ये लेसन है हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम आइंस्टाइन बायोग्राफी एंड टाइटल द होल आइंस्टाइन, यानी कि पैट्रिक प्रिंगले ने आइंस्टाइन पर बायोग्राफी लिखी है। एक होता है बच्चों बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब हमारे बारे में कोई और पर्सन लिखता है उसे बोलते हैं, और ऑटोबायोग्राफी जो हम खुद लिखते हैं उसे कहा जाता है। तो इस लेसन में हमें बताया गया है कि आइंस्टाइन की स्टूडेंट लाइफ कैसी थी जर्मन स्कूल में, जहाँ पर उन्हें एक बार स्कूल से एक्सपेल भी कर दिया गया था। एक्सपेल करना होता है स्कूल से निकाल दिया जाना। तो क्या रीजंस हैं, क्यों उसे स्कूल से निकाला गया, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थे, हमें पता है बाद में जाकर वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। ही डिड नॉट लाइक द ट्रेडिशनल मैथड ऑफ एजुकेशन, जो वहां पर पढ़ाया जाता था स्कूल में उन्हें वो पसंद नहीं आता था। इस वजह से कई बार टीचर्स के साथ उनकी बहस हो जाती थी। क्यों हो जाती थी वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आस्क द हिस्ट्री टीचर डिड द पर्शियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। तो क्लास में डिस्कशन चल रही है, तो हिस्ट्री टीचर जो है, हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, तो हिस्ट्री टीचर ने आइंस्टाइन से पूछा कि कौन से ईयर में पर्शियन डिफीट द फ्रेंच, मतलब पर्शिया के लोगों ने, पर्शियंस जर्मनी के लोगों को कहा गया है, डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू, मतलब वाटरलू की लड़ाई में कब पर्शियंस ने फ्रांस को हराया। आई डोंट नो सर। तो आइंस्टाइन का क्या आंसर है कि सर मुझे नहीं पता। व्हाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, कि क्यों नहीं पता। टीचर उसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें बहुत बार बताया जा चुका है। I must have forgotten. तो स्टेट फॉरवर्ड उनका नेचर था, मतलब फ्रैंक थे, फियरलेसनेस थी उनमें, यानी कि डायरेक्ट वो आंसर देते थे, ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा कर कहना है या कुछ झूठ बोलना है। तो उन्होंने डायरेक्ट कह दिया I must have forgotten, कि मुझे, मैं भूल गया हूँ ना सर। Did you ever try to learn? Ask Mr. Brown. Mr. Brown उसके हिस्ट्री टीचर का नेम है। तो उन्होंने कहा डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, कि क्या तुमने कभी लर्न करने की कोशिश भी की है। नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। तो उन्होंने बिना सोचे समझे ईमानदारी से आंसर किया कि नहीं सर, मैंने कभी लर्न करने की कोशिश ही नहीं की। व्हाई नॉट, तो टीचर का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों नहीं की तुमने। आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। तो अल्बर्ट का आगे क्या जवाब था कि आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, कि डेट्स वगैरह लर्न करने में कि कौन सी तारीख को कौन सी लड़ाई हुई, ये सब मुझे तक ही इम्पॉर्टेंट है। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक, कि कोई भी इन सब चीज़ों को बुक में भी देख सकता है, मतलब ये याद करके क्या करना है। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। तो कुछ पल के लिए मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस हो गए, उनके पास कोई आंसर नहीं था अल्बर्ट के क्वेश्चन का। यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट। तो एंड में कुछ पल रुकने के बाद उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सब चीज़ें ही बुक्स में होती हैं। That applies to all the facts you learn at school. कि जो कुछ भी तुम स्कूल में लर्न करते हो वो सब बुक्स में होता है। कहने का मतलब है कि फिर स्कूल आने की क्या जरूरत। यस सर। तो अल्बर्ट, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि बहुत ही ऑनेस्टली आंसर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा हाँ सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स।
तो टीचर ने आगे कहा कि तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फैक्ट्स तथ्य जो होते हैं उन्हें भी लर्न करने में तुम्हें कोई पॉइंट नहीं लगता। फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट कहता है हाँ सर सच सच बात है। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो टीचर ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि तो तुम तो शायद शिक्षा में ही विश्वास नहीं करते, तुम एजुकेशन में बिलीव ही नहीं है। ओ यस सर आई डू। तो एल्बर्ट ने आगे कहा नहीं नहीं सर मैं करता हूँ शिक्षा में तो विश्वास। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। कि मेरा ये मानना है कि फैक्ट्स लर्न करना ही एजुकेशन नहीं है, मतलब फैक्ट्स बेस लर्न करना शिक्षा का एक पार्ट नहीं है। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हाई सार्कास्म, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो टीचर को गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि एल्बर्ट बहुत अच्छा होगा अगर तुम क्लास को अपनी आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन बताओगे कि शिक्षा के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं। एल्बर्ट ब्लश्ड। तो एल्बर्ट थोड़ा सा हिचकिचाया। आई थिंक इट इज़ नॉट दैट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, ही सैड। लेकिन ऑनेस्ट था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो उन्होंने क्या कहा, आई थिंक इट इज नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज। कि मेरा ये मानना है कि फैक्ट्स मैटर नहीं करते बल्कि आइडियाज ज़्यादा मैटर करते हैं। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मी स्किल्ड मोर मैन। कि मुझे नहीं लगता कि ये इम्पॉर्टेंट है ये याद करना कि कौन सी लड़ाई किस डेट को हुई और विच ऑफ द आर्मी स्किल्ड मोर मैन, कि कौन सी आर्मी ने कौन सी सेना ने ज़्यादा आदमियों को मारा। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट उस चीज़ को लर्न करने में आएगा कि व्हाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, कि रीज़न क्या था, कारण क्या था, वो झगड़ क्यों रहे थे, एक दूसरे को मार क्यों रहे थे। दैट्स इनफ। मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। मिस्टर ब्राउन बहुत गुस्से में, उनकी आंखों में गुस्सा बहुत दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने एकदम जोर से कहा दैट्स इनफ, कि बहुत हो गया। वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन। कि हमें तुमसे कोई लेक्चर नहीं सुनना। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टूडे ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। तो टीचर ने गुस्से में कहा कि एज अ पनिशमेंट तुम्हें स्कूल के बाद एक एक्स्ट्रा पीरियड तक, मतलब जितने ड्यूरेशन का टाइम का पीरियड होता है उतना तुम्हें यहाँ स्कूल में रहना पड़ेगा। हालांकि आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, कि मुझे लगता है शायद इससे तुम्हें कोई, मतलब तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं है, लेकिन एज अ पनिशमेंट यू हैव टू स्टे। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड आइदर। कि स्कूल को भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यू आर अ डिस्ग्रेस। कि तुम तो डिसग्रेस हो, मतलब स्कूल के लिए एक तरह से तुम धब्बा हो, इंसल्ट हो स्कूल के लिए। आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम। कि मुझे समझ नहीं आती कि तुम स्कूल क्यों आते हो। इट इज़ नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। तो एल्बर्ट आगे कहते हैं कि ये मेरी इच्छा नहीं है स्कूल आना। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सर। कि तुम तो अनग्रेटफुल हो, मतलब तुम्हें अगर भेजा गया है तुम्हारे पेरेंट्स के द्वारा भी, तो भी तुम कोई मान नहीं रख रहे उनका, मतलब उन्होंने तुम्हें भेजा है तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। कि मैं तो तुम्हें यही सजेशन देता हूँ कि तुम अपने फादर से कहो कि वो तुम्हें यहाँ से हटा लें। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day, most days were bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. तो उस दिन उसने पनिशमेंट ली, एक्स्ट्रा टाइम रुका, लेकिन ही फेल्ट मिजरेबल, बहुत ही बुरा फील कर रहा था जब स्कूल के बाद दोपहर को वो घर जा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो दिन बुरा था, ऑलमोस्ट उसके सभी दिन बुरे लगते थे उसे, बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू दैट हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। कि वो स्कूल से, उस जगह से हेट करता था और उसी हेटफुल प्लेस पर उसे नेक्स्ट मॉर्निंग फिर आना था।
He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. कि उसकी तो यही इच्छा थी कि काश उसके फादर उसे वहाँ से हटा लें, लेकिन पूछने में भी कोई फ़ायदा नहीं था. He knew what the answer would be. उसे पता था कि अगर उसने अपने फादर से कहा तो क्या आंसर होगा. He would have to stay until he had taken his diploma. कि जब तक वो अपना डिप्लोमा कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक उसे वहाँ रहना ही पड़ता. Going back to his lodging did not cheer him up. तो जहाँ पर वो रहता था उस जगह को भी वो पसंद नहीं करता था. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. तो एल्बर्ट के फादर के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो एल्बर्ट को वहाँ पर एक म्यूनिक की पुअरेस्ट क्वार्टर्स में एक रूम लेना पड़ा. He did not mind the bad food and lack of comfort or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. तो ऐसा नहीं था कि वहाँ पर खाना या फिर lack of comfort थी इस वजह से वो उस जगह को पसंद नहीं करता था कि कोई सुख सुविधाएं नहीं है, खाना अच्छा नहीं मिलता. Even the dirt and squalor, गंदगी थी, धूल मिट्टी थी, but he hated the atmosphere of slum violence. क्योंकि वहाँ पर हिंसात्मक मतलब हिंसा वाला एटमोसफियर था, इस वजह से उसे वो जगह पसंद नहीं थी. His landlady beat her children regularly and every Saturday her husband came drunk and beat her. तो जो उसकी लैंडलेडी थी, जिस घर में रहता था उसकी मालकिन, वो अपने बच्चों को रेगुलरली बीट करती थी यानी कि पीटती थी, और हर सैटरडे उसका हस्बैंड ड्रंक करके शराब पी कर आता था और उसे पीटता था. बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग. यूरी यहाँ पर एक न्यू करेक्टर आया है जो कि एल्बर्ट का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है. तो जब वो शाम को मिलते हैं तो यू मतलब बात होती है तो यूरी ये कहता है कि एटलीस्ट तुम्हारे पास तुम्हारा कमरा तो है जिसे तुम अपना कह सकते हो, जिसमें तुम रहते हो. एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट. तो एल्बर्ट कहता है एटलीस्ट तुम जहाँ रहते हो वहाँ सिविलाइज्ड लोग तो हैं, मतलब सभ्य लोग तो रहते हैं, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो. दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड. तो यूरी कहता है कि सभी सिविलाइज सभ्य लोग नहीं हैं. डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ डुअल. कि क्या तुमने नहीं सुना कि हमारे एरिया में द्वंद हो गया था दो लोगों के बीच में और वन ऑफ देम वॉज किल्ड, कि एक जने की डेथ हो गई थी. एंड वट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम. तो एल्बर्ट ने पूछा कि जिसने मारा था उसके साथ क्या हुआ. Nothing, of course. He is even proud of it. कहते कि उसके साथ कुछ नहीं है, उसे तो बहुत प्राउड है कि मैंने किसी को मार दिया. He is only worries that the authorities have told him not to fight any more duels. कि उसे चिंता इस बात की है कि जो अथॉरिटीज हैं, जो वहाँ के मेन हेड्स हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि और द्वंद नहीं होना चाहिए वहाँ पर. He is upset about this because he has not a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. कि वो अपसेट है वो लड़का क्योंकि उसके चेहरे पर एक भी स्कार, एक भी ऐसा निशान नहीं है कि जो कि वो बैज ऑफ ऑनर की तरह, मतलब सम्मान का एक चिन्ह की तरह पूरी लाइफ अपने मतलब उसे याद रहे कि ये मेरे निशान है, ये उस टाइम का है जब मैंने किसी को मारा था. ओ एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट एंड दीज आर द स्टूडेंट्स. तो एल्बर्ट जो है वो हैरान होता है, दुखी भी होता है और फिर कहता है कि इस तरह के बच्चे हैं ये. वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी. तो यूरी कहता है कि तुम भी एक दिन स्टूडेंट बन जाओगे. आई डाउट इट, सेड एल्बर्ट ग्लमली. तो एल्बर्ट दुखी होकर कहता है कि मुझे तो डाउट है. आई डोंट थिंक आई एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा. कि मुझे नहीं लगता कि मैं स्कूल डिप्लोमा के एग्जाम पास भी कर पाऊंगा. He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. उसकी cousin Elsa जब next time Munich उसे मिलने के लिए आई तो उसने उसे भी यह बात कही कि I will ever pass the exams for the
आई विल नेवर पास, यानी कि मैं पास शायद ही कर पाऊँ. नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस. तो नॉर्मली जो उसकी कज़न है ऐसा, वो बर्लिन में रहती है जहाँ पर उसके फादर का बिजनेस था. आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सेड. आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू. तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, कि अगर तुम कोशिश करो तो तुम पक्का ही पास हो जाओगे. आगे वो ऐड करती है कि आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू, कि मैं बहुत सारे ऐसे लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड हैं लेकिन वो भी क्लियर कर लेते हैं अपना डिप्लोमा. दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड बट यू आर टोल्ड, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम. कि जब उनसे पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं ज़्यादा कुछ याद करने की समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा आना चाहिए कि आप एग्जाम में लिख पाओ. दैट्स द होल ट्रबल, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट कहते हैं कि यही तो मेरे साथ ट्रबल है, मुश्किल है. आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, कि दिल से मुझे लर्न नहीं होता, लर्निंग पावर मेरी नहीं है. यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, कि तुम्हें ज़्यादा अच्छा लर्निंग में बनने की ज़रूरत नहीं है. एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरेट, कि कोई भी तोते की तरह रट सकता है. यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम तो ट्राई ही नहीं करते. एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म एडेड. ऐसा कहती है कि लर्न तुम्हें होता नहीं, तुम खुद कह रहे हो कि आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, लेकिन फिर भी जब भी मैं तुमसे मिलने आती हूँ कोई एक बुक तुम्हारे बाजू में होती है. वट इज़ द वन यू आर रीडिंग, कि ये किस कौन सी बुक है जो तुम बहुत ध्यान से पढ़ते हो. अ बुक ऑन जियोलॉजी, जियोलॉजी की बुक है. जियोलॉजी रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट. तो ऐसा उसे कहते हैं जियोलॉजी, जिसमें चट्टानों के बारे में सब कुछ होता है, क्या तुम इसे याद करते हो. नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. तो वो कहता है कि हमारे स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाई जाती. देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तो वो ऐसा पूछती है फिर तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो. बिकॉज आई लाइक इट, वो कहता है कि क्योंकि मुझे ये बुक पसंद है. इज़न दैट अ गुड इनफ रीज़न, तो कहते हैं कि ये रीज़न जो है कि मुझे ये बुक पसंद है ये इनफ है इसके लिए. एल्सा साइड, ऐसा गहरी सांस लेती है. यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सैड, बट इट वॉन्ट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा. तो ऐसा कहती है कि तुम सही कह रहे हो कि तुम्हें ये बुक पसंद है और तुम इसे पढ़ते हो, लेकिन इस बुक का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि जब तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है. तो दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज लेक्चर. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन. हैव अ गुड डे गाइज़.